सब एक एक आ जाओ। मध्य प्रदेश बिल्कुल सामने से दिखता है, यहाँ से दिखता है। मोबाइल मैंने वही कहा, ये मनोज झा मनोज झा की अलग ही एक ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, बहुत सिंपल, ठीक है, बहुत अच्छे किस्म के लोग हैं। और मैं यहाँ से मध्य प्रदेश में जाता है, हमारे देवी के मंदिर, देवताओं के मंदिर यहाँ पूरे इलाके के अंदर हैं। उनके 30 साल से दर्शन करते हुए मैं आ रही हूँ। अभी उन्होंने ये नया जोड़ा है, मैं उन सबको बधाई भी देना चाहती हूँ। मेरे को याद किया और मुझे यहाँ भी आने दिया, और मैं रास्ते में वापस जब जाऊँगी तो और मंदिर बुक करते हुए जाऊँगी। बहुत दिन बाद आ रही हूँ, बहुत अच्छा लगा। और मेरी यही प्रार्थना है आज मुझे भगवान सबको सुखी समृद्ध और खुशहाल रखे। राजस्थान के लोगों को तो है, पर मनोहर थाना के लोगों को जहाँ ये मंदिर बना है, उसका शुक्रिया। ताली बजाते हैं सम्मानीय भाई भाई द्वारा, क्षेत्रीय लोगों द्वारा सम्मान हो रहा है, ताली बजाते हैं। स्वागत और अभिनंदन करने के लिए पूरी राय जी तंवर को मंच पर बुलाना चाहूंगा। आप पधारे, पूरी राय जी तंवर साहब के द्वारा बाल्यार्पण किया जा रहा है। श्री किशन जी पाटीदार साहब तिलक लगा के धोती कुर्ता पहन के सफल नहीं कर पा, इतनी स्थिति बिगड़ती जा रही है। कथा है गांव के क्षेत्र के लोगों का स्नेह है, तोड़ छोड़ खुल गया, मुझे अपार दर्शन देखने को मिला। और लोगों ने कहा है कि महाराज हम उन्हीं लोगों को सदैव आशीर्वाद देते रहेंगे, बात अच्छी लगे तो स्वागत करना। कहेंगे जो लोग हमारे मंदिरों की रक्षा करेंगे, जो करा है वो सिर्फ अपने सनातन धर्म को है। आप लोग ध्यान से सुने, धर्म की रक्षा करते रहेंगे जो लोग हमारे मंदिरों की रक्षा करेंगे, जो लोग गांव की रक्षा करेंगे। ताली बजा के आप लोग स्वागत करें। ताली बजा के सम्मानित विधायक भाई द्वारा ताली बजा के ऊपर मंदिर तक को रास्ता काटा है, तो उसको पूरा करने का काम फिर हम भी करेंगे। इसलिए अब आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आराम से सर सराते हुए ऊपर चले आना। इसी तरीके से मैंने सरडा के अंदर क्या क्या काम हुए वो थोड़ा सा याद दिलाना चाहती हूँ। जुड़ेंगे और बारिश में भी एक दूसरे से और मध्य प्रदेश से वो जुड़े रहेंगे। ये मुझे बहुत खुशी है, जल्दी से जल्दी ये काम हो जाएगा तो आप लोगों का उसका बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। इसका निर्माण कराने हम लोग चालू करने वाले हैं। सरडा गांव के पेयजल की योजना, अभी आप लोग ये कह रहे थे पानी और आपने शांति आइडिया ठीक था कि हर गांव के अंदर, और मालूम है कैसे हुआ माता बहने, क्योंकि जब जानावाड़ के अंदर दौड़ा करा करते थे हम लोग रात रात को, नहीं बोला आपने, अभी नहीं बोला रतन जी मेरे को, परंतु मन की बात तो यही होगी कि रास्ता ऊपर तक हमारी बना दो, है ना? है। तो अब मैंने पूछा नहीं है, पर मुझे तो लगता है कि 1-2-3 करोड़ तो होंगे। कितने होंगे कलेक्टर साहब? बस बस रतनलाल जी,
यही तरीका है। 3 करोड़ के कलेक्शन बोल रहे हो, 3 करोड़ का होगा। अब 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 3 करोड़ हो, जैसे भी हो, आप लोगों ने जब परिश्रम करके ऊपर मंदिर तक को रास्ता काटा है तो उसको पूरा करने का काम फिर हम भी करेंगे। इसलिए अब आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आराम से सर सराते हुए ऊपर चले आना। 3 करोड़ ना मंदिर रोड गए। इसी तरीके से मैंने सरडा के अंदर क्या क्या काम हुए वो थोड़ा सा याद दिलाना चाहती हूँ। महाराज जी, बहुत खुशी की बात है कि सरडा से बिंदली रोड पर उच्च स्तरीय पुलिया का निर्माण कार्य 24 करोड़। अब उस जमाने गए जब सब समृद्ध हो, किसी को किसी चीज की कमी ना हो, एक दूसरे को सब प्यार से मिलके रहने का काम करने की कोशिश करें, एक दूसरे से झगड़ा नहीं करें। महाराज जी, आपने तो बोला होगा इनको, एक दूसरे से झगड़ा नहीं करने का है, एक दूसरे से प्यार के साथ मिलके रहना है, एक थाली के अंदर 36 कौम को जीतना है ना। लड़ाई झगड़ा करने से अपना कुछ नहीं होता, ना गांव आगे बढ़ता है ना प्रदेश आगे बढ़ सकता है। इसलिए आने वाले समय के अंदर जब सब लोग मिलके प्यार से रहेंगे तो आने वाले समय के अंदर हमारे मनोहर थाना को तो आगे बढ़ा के ही छोड़ेंगे, परंतु उसके साथ साथ झालावाड़ और झालावाड़ के साथ साथ प्रदेश आगे बढ़ेगा, यही विश्वास के साथ। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं आपको दर्शन करना चाहती हूँ। आपने अभी